उसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बिकॉज आई एम अ गर्ल आई वुड लाइक टू सपोर्ट फेमिनिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. अ मैन इज नथिंग विदाउट अ वुमेन. एवरी वन नोज द सक्सेस स्टोरीज. लाइक हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है. आपकी माँ के रूप में होती है, आपकी बहन के रूप में होती है, आपकी गर्लफ्रेंड के रूप में होती है, आपकी डॉटर के रूप में होती है. तो मैं एक फिल्म मेकर हूँ, एक राइटर हूँ, बचपन से पोइट्रीज लिखती हूँ, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ. तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं रियल कहानियाँ बनाऊँ, रियल लोगों को ढूंढूँ और रियल कहानियाँ बनाऊँ. क्योंकि फिल्में, एंटरटेनमेंट, ये सब सबको ही देखना पसंद करते हैं. बट मुझे ऐसा लगा कि उन लड़कियों का क्या जो बिल्कुल घर में सहमी रह जाती हैं, जिनके पास कोई आवाज़ नहीं उठानी. तो मे बी दे कैन वॉच माई फिल्म, गेट सम इंस्पिरेशन एंड स्पीक आउट अबाउट वट एवर प्रॉब्लम देयर गोइंग. लाइक आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई फिल्म मैं तमन्ना राइट नाउ. मैं तमन्ना इज अ शॉर्ट फिल्म विच इज़ बेस्ड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट. ये एक ऐसी लड़की की सच्ची कहानी है जो चाइल्ड अब्यूज से गुजर रही थी. एंड मैं उस लड़की की मॉम से भी मिल चुकी हूँ और उसकी लड़की की मम्मा ने मुझे बहुत थैंक्स, मैं उनका नाम नहीं रिवील कर सकती क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ है. उस लड़की की स्टेप डैड ने बहुत एश्योरेंस दिया कि यू नो आई विल गेट मैरिड टू उनको. वो लेडी जो थी उनका डिवोर्स हो चुका था एंड देन शी गॉट मैरिड टू अ पर्सन हु वॉज वेरी वेरी काइंड टूवर्ड्स हर एंड ही सेड कि मैं आपकी बेटी को संभालूंगा, आपको सपोर्ट दूंगा और उसे बहुत प्यार से रखूंगा. जैसे ही वो बच्ची उस घर में आई, दो दिन चार दिन, उसी रात को जब उनकी फर्स्ट नाइट होती है तो उस रात को उस बच्ची के ऊपर उन्होंने बलात्कार, तो एक बहुत बड़ा वर्ड होता है, बहुत कुछ गंदा करने की कोशिश की. फिर उस चीज़ से वो लड़की कैसे निकली और क्या हुआ उसके बारे में कहानी है. मैं फेमिना इज़ अ मैगजीन विच हैज़ बीन माई फेवरेट सिंस चाइल्डहुड. हर महीने एडिशन आता है मेरे घर में, तो हर महीने आता है. आई एम लाइक वाओ, लेट्स सी सम फैशन, लेट्स सी सम वुमेन्स टॉपिक्स. तो मुझे अच्छा इस बार ये लग रहा है कि फैशन के साथ साथ ऐसी चीज़ों का भी प्रमोशन हो रहा है. मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर हेल्थ अवेयरनेस का भी प्रमोशन हो रहा है, ब्यूटी अवेयरनेस का भी प्रमोशन हो रहा है और साथ में मेरी ये फिल्म भी दिखाई जा रही है, वर्कशॉप्स हो रहे हैं. तो आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. सेकेंड टाइम मैं इनके लिए वॉक करने वाली हूँ और मेरा एसोसिएशन फेमिना के साथ 1999 से है, जब मैं कंटेस्टेंट थी
और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, फिर मैं रैंप वॉक ट्रेनर बन गई उन लोगों के लिए एंड नाउ आई एम वॉकिंग फॉर देम. तो अच्छा लगता है कि ये लोग न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं और न्यू शॉपिंग मॉल्स में जो स्टोर्स हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं और हमें मौका मिलता है उन्हें प्रमोट करने को इनडायरेक्टली. सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई होप कि मैं और चलती रहूँ और चलती रहूँ और चलती रहूँ उनके लिए. फिलहाल मेरे फैशन वीक्स चालू होने वाले हैं, लैक्मे फैशन वीक, प्योर फैशन वीक. मैं रैंप वॉक ट्रेनिंग कर रही हूँ, सारे जो विनर्स हैं मिस इंडिया उनको मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से रैंप वॉक ट्रेनिंग कर रही हूँ. एक रियलिटी शो के लिए बातचीत चल रही है, तो बेसिकली हैंड्स आर रियली फुल राइट नाउ. एज अ फिलहाल तो बॉलीवुड और स्पोर्ट्स पर्सन ने सारे हमारे काम ले लिए हैं एंडोर्समेंट के, बट आई होप कि इंशाल्लाह चाहे तो सब और आ जाएंगे काम. थैंक यू. हाँ आई माई गॉड, आपने एक ही क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चंस और डाल दिए. टू आंसर वुमेन एम्पावरमेंट, एक्चुअली इट्स दो हाथ से ताली बजती है. डेफिनेटली वी आर नोन टू बी अ मल्टी टास्कर और वो हमेशा हुआ करता था इंडिया में भी, पर अभी रिकग्निशन ज़्यादा मिल रहा है. आई कैन से आई एम एन एग्जाम्पल, मैं एक सिंगल मदर हूँ, एक सिंगल पेरेंट हूँ, मैं अपने बेटे को संभाल रही हूँ एंड आई एम स्टिल इन द ग्लैमरस फील्ड एंड आई एम ग्लैड कि मॉडलिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्टेटस आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती एज लॉन्ग एज यू आर टैलेंटेड. 5 साल से अब मैं इतना लंबा पहले सोचती थी, अब सोचना बंद कर दिया है बिकॉज यू नेवर से नेवर, यू नेवर नो, यू बी सरप्राइज विथ लॉट्स मोर अपॉर्चुनिटीज. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट नाइस अपॉर्चुनिटी कमिंग माई वे. मॉनसून डेफिनेटली अगर प्रोफेशन ने अलाउ किया होता तो मैं बाल शॉर्ट कर लेती क्योंकि मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. वेयर फ्लैट्स, वेयर समथिंग शॉर्ट, वेयर कॉटन टू बीट द लिटिल बिट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड जस्ट एंजॉय द वेदर. आई होप मॉनसून जल्दी आ जाए पहली बार. I am Dr. Amritpali Patil. I am the director of Vedicure Group of Companies. I am also the founder CEO of Trim & Tone, which is a unique weight management and wellness clinic. At Trim & Tone, I believe that the approach towards losing weight has to be not just cosmetic, it has to be scientific. So what I specialize and what I have pioneered is integrated medical weight management, which makes use of medical expertise. We screen people continuously during this program so that we are able to catch in case if they have any medical disorder. And in case if they don't have, then also we are able to deal with it. The specialty of Trim & Tone is that it blends state-of-art modern scientific technology with evidence-based ancient medical sciences. And we do not deviate from the guidelines which have been mandated by WHO or the World Health Organization. So this is a specialty, and what I want to say is that obesity and overweight is not just a cosmetic issue anymore. It's just the tip of the iceberg, beneath which there are lots of medical disorders which need treatment. So a person who is fat may suffer from medical problems, or medical problems might lead to weight gain, and we've got to address both of these issues. So at Trim & Tone, I combine technologies such as traditional Chinese medicine, acupuncture, Turina, Ayurveda, Sujok, etc., along with modern technologies. With me, I have an entire team of professionals. I have doctors, I have physiotherapists, I have yoga specialists, Tai Chi, etc. So I welcome everybody to Trim & Tone. Fashion Showcase, I think it's a superb platform for introducing people and to get people together. I think it gives an opportunity to everybody to, you know, let themselves be known to the rest of the folks, the people of this country. And the interaction is so didactic, it's so interactive that everybody gets an opportunity to participate. Thank you so much, Femina Showcase.